नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। यार कोई इशू नहीं है, मेरी बनती है, आपकी दुकान का कोई नाम नहीं आएगा। हमारे पहले बहुत टेंशन है भैया, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ, अपनी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं जो है ना यूनिफॉर्म जो इन्होंने पेट्रोल पंप वालों ने दी थी वो 2-3 दिन से पहन के आ रहा था, तो कल मौसम थोड़ा सा ख़राब था और वो गंदी हो गई थी, तो आज मैंने वो घर धोने के लिए दी हुई है। तो फिर मैं अपने कपड़े वापस पहन के आ गया हूँ काम पर, और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरी ड्यूटी आज लड़कों ने मिलकर, मतलब ये आप खुद ही सेट करते हैं कि आज ये लड़का इस साइड पे होगा, तो मुझे आज इन्होंने बिठाया डीजल पर। तो डीजल के जो पॉइंट्स हैं ना ये होते हैं रोड के करीब, तो यहाँ पर धूप ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं पहले वहाँ बैठा हुआ था सामने छाँव में, तो वीडियो बनाने के लिए मैं इस तरफ आया हूँ ताकि अपनी जगह दिखा सकूँ आप लोगों को जहाँ मैं हूँ। तो इधर बहुत ज़्यादा हीट है और पसीना भी आ रहा है सुबह से, तो छाँव आने में थोड़ी देर है अभी। पेट्रोल पम्प के भाई वाली साइड में कुल्फियों वाली दुकान लगाई हुई है ना, एक भाई इनके पास आए हैं और उन्होंने कहा है इनको कि ना ये जो सामने लड़का खड़ा है ना, मेरा नाम बता रहे थे, मतलब तो इसको जो है ना आपने ये कुल्फी दे देनी है और ना पैसे नहीं लेने, तो वो मेरे पैसे दे गया। तो वो शायद उन्होंने मेरी वीडियो से देखा होगा ना कि ये खाता है बैठ के यहाँ पर। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? एक लड़का आपको मेरे लिए गिफ्ट दे गया होगा, दे गया था आपके भाई बता रहे थे मुझे ये। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ये कुल्फी जो भाई मेरे लिए दे गए उनका अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने अगर आप ना देखे जाते तो मैंने खुद भी खानी थी, तो आप दे गए तो मेरे पैसे बच गए। शुक्रिया। आज जो है ना अमानुल्लाह वापस आ गए काम पे, एक दिन आता है और एक दिन नहीं आता, अमानुल्लाह से मिलवाता हूँ आप लोगों को। कुल्फी बहुत मज़े की है यार। यार इनको कहो मुझे तनख्वाह दे, मैं घर जाऊँ। यार ये जितने भी आप लोग जो है ना मेरे व्लॉग्स देखते हो, इन व्लॉग्स की वजह जो है ना ये लड़का है, ये मेरी जगह पे जो है ना फ्यूल डालता है जब रश ज़्यादा लगता है, और ये मुझे बैठकर वीडियो बनाने का टाइम देता है, तो ये सारा क्रेडिट फिलहाल इसको जाता है। अमानुल्लाह द लेजेंड, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक है? हाँ, आपकी जो वीडियो मैंने बनाई थी, हाँ, वो इतने ज़्यादा लोगों ने देखी है, हाँ, वो कहते हैं उसको दोबारा लेके आओ वीडियो में। वीडियो में कह रहे थे, वीडियो में, हाँ, आप कहते हैं आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, हाँ, आपकी उर्दू के भी फ़ैन हो गए। अब इधर आके बात करो ना भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीला पकड़े भाई? भैया मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा, मैं तो हर वीडियो देता रहा ना। अच्छा, किया तबिया तो चैनल को सब्सक्राइब किया, बड़ी अच्छी वीडियो बने भाई, उन्हें बड़ी अच्छी वीडियो बने ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाकी आपकी एक्टिंग के 50 रुपये हम दे देते हैं आपको, आप भी सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को? सब्सक्राइब क्या भला होंगे, सब क्या पता है, तो आपको पता लग वैसे जेल करे सो। आशिक हमारे रोमियो सेल्समैन, इनको आज मोहब्बत का गम लगा हुआ है। मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है। अमानुल्लाह भाई आपसे एक पापड़ खा के, पापड़ खाने? हाँ। ए अमानुल्लाह को पापड़ दो यार, कार वाले देख रहे हैं भाई, मैं नहीं दिखाता, वो बुरा लोग हैं, कोई बात नहीं, देखते रहे, अगर देख रहे हैं तो देखते रहे, हम डरते हैं, हमें वो रोटी देके जाते हैं जब हम भूखे बैठे थे घर में। शर्माना क्यों है, किसी से नहीं शर्माना, जो दिल करता है वो करो, खुश रहो, समझ आइए। ये मैंने बाहर आके सीखी है ये चीज़ मैंने बाहर आके सीखी है, अजान हो रही है फिर बनाऊंगा। मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त ये आता है डीजल डलवाने, सिर्फ मेरे पास आता है जब भी आता है। क्या डालना है, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल चाहिए। आपका नाम क्या है ये बताओ? आप क्या काम करते हो? मोटरसाइकिल। इतनी सी उम्र में पढ़ाई नहीं कर रहे आप? पढ़ाई कर रहा हूं। कौन सी क्लास में? बी क्लास में। एक बात बताऊँ आपको, आप बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो जी, आपने जो है ना पढ़ाई नहीं छोड़नी कभी भी, ठीक है? पढ़ाई जो है ना आपको अच्छा इंसान बनाएगी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी ना, देखो अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं ना छोड़ता तो मैं किसी ऑफिस में लग के बैठा होता अभी, मैं सिख पढ़ूँगा, ठीक है? बाकी अल्लाह आपको कामयाब करें, हम आपको आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई हो जाते हैं। पेट्रोल कितने का लेना है आपने? इधर आओ, दिखाओ, आ जाओ, इधर आओ, ये जब भी आता है पेट्रोल मेरे से डलवा के जाता है, इसको 80 का पेट्रोल डाल के दो, हाँ 80 का सही है, ओके शुक्रिया। अच्छा एक बात बोलो, बोलो हसन हमीद को,
कहो हसन हमीद को, हसन हमीद को सब्सक्राइब करो बस। थैंक यू, ये लो आपके बकाया। तो पेट्रोल पंप के ऊपर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने जो है ना वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर नहीं सका कल, और आज सारा दिन मैं वहाँ पे बिज़ी रहा बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ आज भी नहीं ब्लॉग बना सका। और अभी मैं जॉब से वापस आया, शाम को मैंने ब्लॉग बनाने की ट्राई की थी लेकिन मैं बना नहीं सका क्योंकि मैं वहाँ पे फिर बिज़ी हो गया था। मुझे चाहिए था बॉडी स्प्रे, मेरा ख़त्म हुआ था। और यार भाई बॉडी स्प्रे किधर पड़े हैं? यही वाले मुझे चाहिए, बगैर गैस वाला। तो ये ना ये वीडियो वगैरह ना बना यार, कोई इशू नहीं है, मेरी बन रही है। आपकी दुकान का कोई नाम नहीं आएगा, हमारे पहले बहुत टेंशन है यार। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ, अपनी दिखाता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है? मैंने उनको बड़ी मुश्किल से कहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग बस मेरी बनेगी, आपकी शॉप का कुछ भी नहीं आएगा। उनका कोई शायद एक दो दिन पहले इशू हुआ, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं बनानी। कल अपलोड किया एक मिनट। दोस्त मेरा आया मेरे पास मिलने के लिए, तो मैंने कहा अभी खाने पीने के लिए चलते हैं। अभी आया था बड़े अरसे बाद मैं भाई, मतलब निकल रहा हूँ, वरना तो मैं घर चला जाता हूँ जॉब करने के बाद। थका हुआ हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरी शक्ल से आपको फील हो रहा होगा शायद। दोस्त को मैंने कहा कि पहले जाके खाते हैं गोलगप्पे, उसके बाद हमको जूस वगैरह पी लेंगे, उसके बाद फिर घर जाऊँगा और ब्लॉग को पूरा करके फिर अपलोड करूँगा। तो अभी हम गोलगप्पा वाले के पास जा रहे हैं। आप फिलहाल 100 के दे दें, अगर और खाने को तो फिर हम आपसे और ऑर्डर कर लेंगे। ये वही गोलगप्पे हैं जो मैंने शॉर्ट में दिखाए थे, कि हमारे एक शहर में एक अंकल हैं बड़े सिंपल से गोलगप्पे बनाते हैं, उन्हीं के पास आए हैं दोबारा। लेकिन जितने लोग मेरे शहर से मुझे जानते हैं ना, उनको इनका पता होगा, इनका नाम है अक्कू भाई। अक्कू भाई के गोलगप्पे हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये 1983 के बेच रहे हैं, चार आने का चार से शुरू किए हुए हैं, आज 70 रुपये दर्जन है, अल्लाह की रहमत है जी। नहीं गोलगप्पे मानने की बात है, इनके बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। वीडियो के चक्कर में मेरा पानी हीर गया। अक्कू भाई अच्छे हैं, अक्कू भाई ने और दे दिया जी। मगरब के वक्त ले आते हैं जी, साथ ही घर है, ताज़े फ्रेश बनाते हैं, और ईशा तक, ईशा के बाद तक ना जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना जी रोज़ी दे दूँगा। आए तो हम जूस पीने थे लेकिन जूस से इतना मिला नहीं हमें, तो राफे भाई जो है ना मुझे एक जगह पे आइसक्रीम खिलाने के लिए आए हैं। आइसक्रीम भी अच्छी होती है तो हम ये खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम नमाज़ पढ़ने। तो कुछ भी मुझे मिल रहा है ना, ये आप सबके प्यार और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिल रहा है, वरना मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि इतना सब कुछ मुझे मिल जाए। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना यूट्यूब की मैंने कहीं से प्रमोशन करवाई है, या फिर ना फेक सब्सक्राइबर हैं। फेक नहीं है, मैं जो मुझे मतलब टिकटॉक से नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, फेक नहीं है। मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाता हूँ और टिकटॉक से जो है ना मुझे लोगों ने जाके सब्सक्राइब किया, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, कम वीडियोज़ के भी। गर्मी इधर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने कल रिकॉर्डिंग ऑन की थी, वो रिकॉर्ड करते करते मैंने जब मोबाइल को देखा तो हीट की वजह से ना कैमरा मोबाइल ने ऑफ़ कर दिया था, तो फिर मैं ब्लॉग अब दोपहर को कर नहीं सकता, या शाम को करूँगा या सुबह के टाइम करूँगा। तो आप डेली ब्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, जितना मिलता है उसी में मैं ब्लॉग बनाता हूँ और उसको फाइनल करके जो है ना अपलोड करता हूँ। इतना जल्दी इतना ज़्यादा प्यार आप सब लोगों ने दिया है, इस चीज़ के मैं बिल्कुल भी लायक नहीं अपने आप को समझता, ये बस मेरी दुआओं और आप सबके प्यार का नतीजा है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा। मुझे अभी भी काफ़ी लोग आके मिलते हैं और कहते हैं कि आपके यूट्यूब पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे हो गए, आपकी वीडियोस तो सिर्फ 2-3 अपलोड हुई हैं। तो उसकी वजह यह है कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, टिकटॉक पे आज मेरे 100K फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह लिख देना कमेंट्स में सारे, ताकि नज़र ना लगे। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझे को प्यार नहीं।